ये हमारी 40 फीट वाली कंटेनर, इसको अभी हमने खुलवाया नहीं हुआ है, अभी ड्राइवर को बुला के इसको सील करवा के इसको हम लोग खुलवाएंगे। शोर शराबा धूम धड़ाका, क्योंकि अल्मीनियम वाले का ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट हो चुका है हमारी वजह से। का एंड चल रहा है और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आज वर्कलोड कितना है। इधर हमारा एल्युमिनियम का अनलोडिंग चल रहा है, ये जिम वाला गाड़ी है जिसमें हम लोग 25 बॉक्स लोड करा दिए हैं, और इधर हमारा प्लास्टिक दाना का 15 टन का लोड। और ये देख लीजिए आज का जो हमारा गाड़ी लोड हुआ है उन सारी गाड़ियों का कागज। तो जय श्री राम दोस्तों, मेरे आज के इस नए व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बुधवार और आज के काम की बात करना तो आज बहुत काम है। आज मुझे लगता है कि आज 10-11 बज जाने हैं, रात के 10-11 बज जाएंगे, क्योंकि आज जो हमारा ये वाला क्लाइंट है, ये एल्युमिनियम वाला क्लाइंट है, इसका आज प्लान बहुत ज़्यादा है। ये मुझको कल ही फ़ोन करके बोल दिया था कि मेरा कल प्लान ज़्यादा है, हो सके तो मे भी कल रात भी हो सकता है। ये मुझको कल ही बता दिया था, प्लान पूछ रहा था क्या एक्टिविटी है आप, क्योंकि जब तक मैं उसको नहीं बोलूँगा तब तक वो आएगा नहीं। तो मैंने अपने सारे क्लाइंट्स हैं, 3 क्लाइंट्स हैं मेरे पास, आपको पता ही है, तीनों क्लाइंट्स के मैंने प्लान ले लिए हैं। जो हमारा प्लास्टिक दाना वाला है उसका भी आज ज़्यादा काम है नहीं, लगभग 50 टन के आसपास का काम है। उसके बाद ये जो हमारा जिम वाला क्लाइंट है उसका 30-35 बॉक्सेस लोड होने वाले हैं, उसकी भी गाड़ी 11 बजे तक आ जाएगी, उसके बाद ये आएगा। मतलब जो भी हमारा ये दो क्लाइंट है ना, उन दो क्लाइंट में जिम वाला गाड़ी को हम लोग 11 बजे आ जाएगी, उसको लोड करके तुरंत हटा देंगे। उसके बाद इसकी एक 40 फीट की कंटेनर आई हुई है हमारी जो प्लास्टिक दाना वाला है, उसको भी हम लोग प्लान कोशिश करने वाले हैं कि 11 से 11:30 बजे तक खाली करके उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना है, क्योंकि उसको हम लोग 11:30-12 बजे तक बोल दिए हैं आने के लिए, जो हमारा एल्युमिनियम वाला क्लाइंट है, कि आप 11:30-12 बजे तक आइए, आके अपने जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर हम लोग उसको जल्दी से जल्दी नहीं बोलेंगे ना, इनके शाम को अगर हम लेट नाइट का जो हम लोग चार्ज लगाएंगे ना, तो उसके लिए वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मुझको एक दिन पहले बता चुका है, तो हमको ये भी देखना है। और ये देख लीजिए जिम वाला जो मटेरियल बॉक्सेस रखे हुए पीछे ना, इसमें 30 बॉक्सेस जाने, 30 बॉक्सेस का जो हमारे पास लिस्ट कल ही आ गया था, पिक लिस्ट सारे हमने मार्क करके रखे हुए हैं, मार्क कर दिया है ये बॉक्स इतने जाएंगे, बस जैसे ही गाड़ी आएगी इसमें हम तुरंत लोड करवा देंगे। तो चलते हैं, कंटेनर को हमने लोडिंग पॉइंट पर लगा दिए हैं, और एक 6 टन का मटेरियल लोड होगा, उसकी भी गाड़ी आ गई है, तो पहले हम लोग 6 टन मटेरियल लोड करवाते हैं, उसके बाद जल्दी से जल्दी कंटेनर खाली करते हैं। उसके बाद जो भी लोडिंग आएगा, एक 15 टन का भी लोडिंग है, और भी छोटा मोटा लोडिंग है प्लास्टिक देना का, उसका लोडिंग दिखाएंगे, उसके वजह से ही ये वाली हमारी गाड़ी आ जाएगी एल्युमिनियम वाली, आपको इसका भी लोडिंग दिखाएंगे। तो आज के इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देख लीजिए ये हमारी 40 फीट वाली कंटेनर, इसको अभी हमने खुलवाया नहीं हुआ है, अभी ड्राइवर को बुला के इसका सील तोड़वा के इसको हम लोग खुलवाएंगे, और वो हमारी उधर 6 टन वाली गाड़ी जिसमें वर्धमान के लिए लोडिंग होगा, और मटेरियल भी यही सब रहेंगे, छोटा वाला बैग है, मटेरियल भी यही है, बस लेबर लोग आएगा इसको ट्रॉली से खींच के वहाँ पर ले जाके गाड़ी में 6 टन मटेरियल लोड कर देगा, उसके बाद इसका अनलोडिंग स्टार्ट करेगा। जैसे ही इसका लोडिंग स्टार्ट होगा मैं आपको इसका दिखा दूंगा कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, अभी तो मुझको भी नहीं पता है, मैंने अभी डॉक्यूमेंट दिखा नहीं हुआ है। उधर हमारा कंटेनर का अनलोडिंग स्टार्ट हो गया, देख लीजिए उधर अनलोडिंग चल रहा है, 40 फीट वाली कंटेनर का 6 टन मटेरियल हमारा लोड हो गया है, और ये हमारी 6 टन वाली गाड़ी का कागज, इस पर हम लोग ड्राइवर से सिग्नेचर लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, और ये है ड्राइवर का लाइसेंस, इसका हम लोग जीरोस करके हम अपने पास रखते हैं। उसके बाद ये दो कागज ड्राइवर को देके 6 टन वाली गाड़ी को हम लोग छोड़ देंगे, और ये हमारा मटेरियल जा रहा है वर्धमान। कंटेनर लगभग खाली हो गई है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, मटेरियल सारा हम लोग वहीं रखवा रहे हैं, क्योंकि यही मटेरियल जो कंटेनर में है ना 10 टन किसी और गाड़ी में लोड होने वाला है, तो हम लोग यहीं पर रखवा दे रहे हैं, क्योंकि जल्दी से उसमें लोड हो जाएगा, आज प्लान भी ज़्यादा है। और इधर हमारा फोर्कलिफ्ट आ गया है, बस चढ़ नहीं पा रही है, जब हाइड्रा ये कंटेनर चली जाएगी तो हाइड्रा उठा के इसको ऊपर कर देगी, उसके बाद एल्युमिनियम वाले का भी अपना काम स्टार्ट हो जाएगा, और इधर जैसे ही ये गाड़ी चले जाएगी उसके बाद उधर बड़ी वाली गाड़ी लगा के उसमें 15 टन मटेरियल हम लोग लोड करेंगे, जिसमें 10 टन मटेरियल ये लोड होगा और 5 टन मटेरियल ना ये वाला लोड होगा। अब टाइम हो चुका हम लोगों का लंच करने का, और लंच बाद अब होगा हम लोगों का असली काम। अभी तक तो सुबह से कुछ नहीं हो रहा था, सब आस्ते से धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन लंच बाद अब होगा शोर शराबा धूम धड़ाका, क्योंकि एल्युमिनियम वाले का ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट हो चुका है हमारी वजह से, वो अपना काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेगा, अनलोडिंग करेगा फिलहाल सारा। अभी तो देखिए अभी इधर स्पेस खाली है, अभी और स्पेस मांग रहा था 3000, और हम लोग लड़ाई झगड़ा किए हैं कि मतलब हम लोग तो ऑलरेडी 30,000 में से 32,000 ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, मतलब ये जो हमारा प्लास्टिक दाना वाला है ना उसके स्पेस में 2000 और हम लोग एक्स्ट्रा इस एल्युमिनियम वाले को दे चुके हैं। अभी तो लड़ाई झगड़ा और होगा, क्योंकि 1 तारीख को आएगा वो देखेगा तो
कंफर्म मेल मारेगा, तुरंत बोलेगा कि मेरे स्पेस में इस पार्टी के मटेरियल क्यों रखे हो, तो बहुत सारा लफड़ा होने वाला है। फिर भी हम लोग बोले हैं सर लोगों से कि हम लोग नहीं दे पाएंगे स्पेस, जो है उनको इसमें ही रखना पड़ेगा, और क्योंकि और ज़्यादा दे भी देंगे तो हमारा फ्लोर बहुत डैमेज हो चुका है और डैमेज कर देगा। खैर ये तो बात की बात है, काम बहुत है। अभी मैंने जिम की भी गाड़ियाँ आ गई हैं, जिम वाले की जो भी बॉक्सेस थे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, सेलेक्ट करके कुछ आगे रखवा दिए, कुछ बाकी हैं। तो लेबर लोग लंच कर रहे हैं, लंच बाद जैसे ही लंच होगा, लंच ख़त्म कर लेगा सब, सॉरी लंच जैसे ही ख़त्म करेगा सबसे पहले हम पावर जिम वाले की गाड़ी पहले लोड करवाएंगे, उसके बाद 15 टन का प्लास्टिक दाना का लोड करवाएंगे, उसके साथ साथ हमारा ये जो एल्युमिनियम वाला है इसका भी अनलोडिंग चलेगा। महीने का एंड चल रहा है और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज वर्कलोड कितना है। इधर हमारा एल्युमिनियम का अनलोडिंग चल रहा है, ये जिम वाला गाड़ी है जिसमें हम लोग 25 बॉक्स लोड करा दिए हैं, और इधर हमारा प्लास्टिक दाना का 15 टन का लोडिंग चल रहा है, जिसमें से 10 टन मटेरियल ये हमारा लोड होगा और बाकी का 5 टन दूसरा मटेरियल उधर रखा हुआ है अंदर छोटा वाला बैग है वो लोड होगा। आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, देखते हैं क्या होता है, आज रात होगा कि नहीं शाम तक पता चली जाएगा हम लोगों को। 1 2 3 ये 3 गाड़ियाँ एल्युमिनियम वाले की हैं जो खाली होंगी, उसके बाद इसकी 3 गाड़ियाँ और आएंगी जो लोड होंगी। उसके बाद ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी 5 टन लोडिंग के लिए आई हुई है प्लास्टिक दाना, उधर उस गाड़ी में 15 टन मटेरियल लोड हो रहा है, और इधर ये वाली जो गाड़ी है इसमें जिम वाले मटेरियल का क्लाइंट का 25 बॉक्स लोड हो चुका है। उसके बाद देख लीजिए और किसी क्लाइंट का कोई मतलब जो भी हमारे बगल के वेयर हाउसेज हैं उनमें कहीं काम नहीं है, सारा का सारा वर्कलोड हमारे पास ही है आज। ये देख लीजिए पूरा का पूरा लॉजिस्टिक पार्क, हमारा जो पार्किंग है पार्किंग एरिया पूरा फुल है, और किसी का पार्किंग एरिया फुल नहीं है, बस हमारा ही पार्किंग फुल है। और ये देख लीजिए आज का जो हमारा गाड़ी लोड हुआ है उन सारी गाड़ियों का कागज़ है। ये देख लीजिए ये तो हम लोग रखते हैं अपने पास, 2 रख रहे हैं अब, पहले हम लोग एक ही रखते थे लेकिन अब हम लोग 2 रख रहे हैं। एक कॉपी जो हमारा कस्टमर है ना वो हर एक तारीख को आएगा, हर एक एक तारीख को आता ही है, वो हर एक तारीख को आएगा और एक कॉपी वो अपने साथ ले जाएगा, और ये जो एक कॉपी है वो हम अपने पास रखेंगे। तो ये आज हम लोग टोटल 3 गाड़ी लोड किए हैं, 3 गाड़ियों का ये सारा कागज़ है, और ये जो गाड़ी है जो हम खाली किए हैं 40 फीट वाला कंटेनर ये उसका कागज़ है। आप लोग मैं बोलता हूँ ना कि कैसे क्या रहता है, ये देख लीजिए ये कंटेनर नंबर लिखा हुआ है, ये LR नंबर है, ये गाड़ी नंबर है, ये सब कुछ हमको लिखना होता है। ये ईवे बिल है, इसको भी हमको इसका जो ईवे बिल नंबर रहता है वो भी हम लोगों को लिखना होता है, मटेरियल डिटेल्स ये सब हमको लिखना होता है। ये कस्टम का कॉपी है, कस्टम विभाग जो देता है इसमें कस्टम का एक नंबर होता है वो भी हम लोगों को लिखना होता है। इधर सब कुछ है, इस कागज़ में जो सील होता है कंटेनर का ना वो भी लिखा होता है, इसमें सब कुछ होता है हम लोगों को। ये देख लीजिए जैसे इसमें लिखा हुआ ना 990 बैग, ये बैच नंबर है, ये ब्ला 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 जो भी लिखा हुआ है सब कुछ इसमें लिखा होता है। ये सब कुछ हम लोगों को एक एक करके सारा एक्सेल शीट में हम लोगों को फिल करना होता है। तो शाम के 8 बज गए हैं और अभी भी हम अपने वेयर हाउस में ही हैं, और अब हमको 3 घंटा मैक्सिमम मतलब 11 बजे तक अपने वेयर हाउस में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे क्लाइंट हैं
इनका अभी लोडिंग अनलोडिंग बाकी है। इन्होंने कल ही मुझको बता दिया था कि कल मेरा प्लान ज़्यादा रहेगा, हो सके तो रात भी हो जाएगा, तो इनका कहा हुआ आज सच हो गया, आज रात हो ही गया। और भी जो हमारा काम था, सारा काम हमने ख़त्म करा दिया था जल्दी जल्दी, बस इन्हीं का काम रह गया था। इनका पता ना क्या सीन रहता है, इनका कोई ठिकाना नहीं है कब तक इनका काम चलेगा, कब तक इनका काम नहीं चलेगा, इनका कोई पता नहीं है। ये देख लीजिए मेरे पीछे कितना मटेरियल रख दिया यहाँ पे, ये पूरा स्पेस खाली था, वो बड़ा वाला पत्थर जाने के बाद इधर का पूरा ये एरिया खाली था, लेकिन ये पूरा भर रहे हैं इधर। ये देख लीजिए पूरा जिंक रख के ये पूरा भर रहे हैं, और इधर का पूरा भर चुका है। अभी और भी मटेरियल अभी आ रहा है, एक दो गाड़ी वो लोग भी इधर ही रखेंगे, जगह ही कहाँ है उनका। हम लोगों से 3,000 स्क्वायर फुट ये सुबह मांग रहे थे एक्स्ट्रा स्पेस, जबकि हमारे पास स्पेस नहीं है ऑलरेडी। हम लोग जो दूसरा हमारा क्लाइंट है उसमें से 2,000 इनको दे चुके हैं। सुबह हमारे जो हमारे सर हैं उनसे भी, हमारे जो मैनेजर साहब हैं उनकी बहस हुई थी, ये बोले कि मैं नहीं दूंगा, वो बोले थे कि दो, ये बोले कि लिख के दो, मेल दो मुझको कि मैं रखूं, तो मैं रखूंगा, अदरवाइज नहीं रखूंगा। जब लीगल की बात है कि लीगली भाई मेल दीजिए मुझको, लिख के दीजिए तो मैं रखूंगा, इनकेस कल का कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो जॉब से भी जाऊँगा और भी जो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी वो होगी। तो सबसे पहले तो जो जॉब कर रहा है वो तो अपना सेफ्टी देखेगा ना। बहुत कुछ होने के बाद वो लोग शांत हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। तो इनको हम लोग 3,000 स्क्वायर फुट नहीं दिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग भी, जितना इनका स्क्वायर फुट है, जितना इनका स्पेस है, उसमें ही अपना काम चलाएंगे। तो देख लीजिए इनका स्पेस हमने पीछे दे रखा है, तो ये लोग पीछे ही सारा मटेरियल रख रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा व्लॉग भी लंबा हो गया है और बहुत चिल्ला चुका हूँ सुबह से। लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर लोगों के लिए चिल्लाना पड़ता है, ड्राइवर लोगों के लिए चिल्लाना पड़ता है, इधर उधर भागना दौड़ना पड़ता है, थकान भी बहुत हो गई है, बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा। और ये देख लीजिए मेरे पीछे मेरा वेयर हाउस पूरा अभी शांति इसलिए ना कि जो एल्युमिनियम वाले क्लाइंट हैं, एल्युमिनियम वाले के जो ड्राइवर हैं फोर्कलिफ्ट और हाइड्रा के, वो लोग थोड़ा नाश्ता पानी कर रहे हैं। जैसे ही नाश्ता पानी कर लेगा फिर इनका लोडिंग अनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मिलेंगे कल फिर से एक नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।